जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा, सरकारी नौकरी यहीं से मिलती है। इसका कहना 100% सही है। इसके लिए क्या करना होता है, चलिए आगे हम देखते हैं। मैं एक इंडिया आप सभी को अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए टू द पॉइंट टॉपिक पे आते हैं कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले हम अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी लेनी है तो उसके लिए आपको अप्लाई करना ज़रूरी है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट, कोई भी जो आपको वेबसाइट को सर्च करना है तो आप कहाँ सर्च करोगे और कहाँ अप्लाई करोगे, वो भी ईजिली वे में, तो वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे ईजिली यही एक वेबसाइट है, सरकारी रिजल्ट .com। मैं इसको अपने तरफ से 100% रिकमेंडेड करता हूँ सभी के लिए, क्योंकि बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ना कहीं जाना है, ना कुछ, और ना कोई फेक है, ना कुछ। जो भी यहाँ लिंक मिलता है वो आपको वहीं कनेक्ट करवाएगा जिसका होम पेज, जो वेबसाइट पे जाना होता है। आप इसमें सब फैसिलिटी आपको एकदम जस्ट सामने मिल जाता है, इसमें कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती है ऊपर आपको मिल जाता है। और ये देखिए, आपको सरकारी रिजल्ट का जो दिख रहा है वो सरकारी रिजल्ट का आपको यहाँ दिख रहा है। उसके बाद होम, सिलेबस, आंसर की, लेटेस्ट जॉब, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, एंड्रॉयड ऐप, विंडोज़ ऐप, इसका जो भी ऐप है वो आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। और आपको जो भी रिजल्ट के लिए चाहिए, कुछ भी चाहिए, इसमें सब मिल जाएगा आपको। इसमें आपको रिजल्ट भी मिलता है, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, लेटेस्ट जॉब भी आ जाएगा, कौन सी वैकेंसी आ रही है, नहीं आ रही है। आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम है उसका सिलेबस कैसे नहीं है वो सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। जो एग्ज़ाम आप ऑफलाइन दिए उस या ऑनलाइन दिए, जैसे SSC रिजल्ट का भी कटअप आंसर की आया, तो आंसर की के जरिए आप कटअप बताया जा रहा है कि इतना कटअप जाएगा या उतना कटअप जाएगा, और इसका आंसर की भी दिया हुआ। अब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी है, पैन कार्ड ऑनलाइन कर सकते हैं, वोटर ID ऑनलाइन कर सकते हैं, आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं, सिर्फ मात्र एक वेबसाइट के जरिए, वो सरकारी रिजल्ट है, और आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। और इम्पोर्टेंट में भी है, MP रोज़गार, UP बार डिक्लेरेशन, ऑनलाइन फॉर्म, मतलब कि जो भी इम्पोर्टेंट है वो। और सबसे मस्त यहाँ एडमिशन के लिए, जो भी नए लड़के हैं एडमिशन लेना चाहते हैं जहाँ पर भी, और उन्हें पता नहीं चल पाता, इधर उधर वेबसाइट पे भटकते रहते हैं, तो सीधा यहाँ आपको सब चीज़ मात्र एक क्लिक में हो जाएगा, और आप यहाँ से आसानी से अप्लाई करें और सरकारी जॉब लें। आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्प किया तो आप इसको लाइक करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लायक है तो आप उसको शेयर करें और अपने फ्रेंड को भी।